तो यूपी में ये दो लड़के दोबारा साथ आकर, माफ कीजिएगा, दोबारा दो लड़के आएंगे, पर इस बार एक जो साथी है वो अलग होगा। ये दो लड़के साथ आकर युवाओं को कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश करेंगे। तो उधर बीजेपी जो है वो इस जुगलबंदी का जवाब देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने खेल के मैदान से चुनावी परचम लहराने की बिसात जो है वो चल दी है। बीजेपी के जो सांसद है वो अपने अपने इलाकों में खेल प्रतियोगिताएं करा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इन खेल प्रतियोगिताओं को चुनाव से जोड़ने को राजी नहीं हो रही है। आप सोचिए, आप यूपी जैसे राज्य में चुनावी सरगर्मी के बीच अगर सांसद कोई खेल अभियान चला रहा है तो इसके माने क्या होंगे, इसको समझना मुश्किल नहीं है। खेल के मैदान से लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी निशाना कहां लगाने की कोशिश कर रही है, ये समझने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। क्या यूपी चुनाव में खेल के जरिए खेला होगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी चुनाव की सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम के तहत अपने अपने इलाकों में खेल प्रतियोगिताएं करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर बीजेपी सांसद इस तरह के खेलों का आयोजन या तो कर चुके हैं या करने वाले हैं। इन खेल प्रतियोगिताओं के मकसद के बारे में जब मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान से सवाल हुआ तो उनका जवाब था कि पीएम ने खेल को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करने को कहा है। लेकिन यूपी चुनाव से महज 2 महीने पहले हो रहे इस खेल को समझना मुश्किल नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सुझाव था सभी सांसदों को कि जिस तरह से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के बाद एक उत्साह पूर्ण वातावरण है खिलाड़ियों के प्रति, कि अपने अपने क्षेत्र से सांसद गांव के स्तर से खेल की शुरुआत करें। तो बेसिकली 640 खिलाड़ी मुझे मिले हैं मेरे जनपद में, वो आज यहाँ मौजूद हैं। उनमें से भी कुछ लोग निकलेंगे, शायद कुछ राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, कुछ इंटरनेशनल स्तर पर जाएंगे। तो सुझाव प्रधानमंत्री जी का है, क्रियान्वयन हमने किया। मुजफ्फरनगर में सांसद खेल स्पर्धा की शुरुआत 8 नवंबर को हुई थी, जिसके फाइनल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंचे। हालांकि उन्होंने खेल और यूपी चुनाव के कनेक्शन से इनकार किया है। 15,000 युवाओं ने भाग लिया इस कंपटीशन में, और कम से कम इन 15 दिनों में अगर मैं औसतन 5,000 लोग के लोग लगाऊं तो 75,000 लोगों ने देखने भी आए होंगे। वो राजनीतिक नहीं था, वो एक सोच के साथ था कि युवाओं को नशे से दूर रखेंगे, युवाओं को खेलों के लिए प्रेरणा देंगे। अनुराग ठाकुर भले ही इन खेलों का सियासी मतलब निकाले जाने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन मंच से जो नारे लगे उससे सियासी खेल भी साफ हो जाता है। बीजेपी खेल के मैदान से चुनाव की प्रतियोगिता जीतने का जो दाव चल रही है उसके पीछे वोटों का गुणा गणित शामिल है। उसकी नजर युवा वोटर पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश युवा जनसंख्या के मामले में देश में पहले नंबर पर है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 लाख वोटर ऐसे थे जिन्हें पहली बार वोट का अधिकार मिला था। यही नहीं, यूपी की राजनीति भी युवा चेहरों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, इसीलिए युवा वोटरों की लड़ाई भी बेहद मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उम्र ही 49 साल है, जबकि अखिलेश यादव 48 साल के हैं, प्रियंका गांधी की उम्र भी 49 साल है, आरएलडी के जयंत चौधरी भी अभी सिर्फ 42 साल के हुए हैं और चंद्रशेखर आजाद सिर्फ 34 साल के हैं। ये महज संयोग नहीं है कि उत्तर प्रदेश चुनावों से महज 2-3 महीने पहले इस तरह के खेल आयोजन हो रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी सांसदों के द्वारा। तो ये एक महज संयोग नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल साफ है कि एक बड़े वर्ग तक, एक बड़े युवा वर्ग तक पहुंचने की कोशिश है पार्टी की, और इसलिए इस तरह के खेल आयोजन करवाए जा रहे हैं। ये भी एक सच है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.2% है, जो युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। सवाल ये, क्या बीजेपी रोजगार के मुद्दे को खेल के जरिए चुनावी मैदान से गायब करने की कोशिश कर रही है? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।